हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम प्लस में, जहां हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स विद एक्सप्लेनेशंस के डेली बूस्टर सीरीज थर्ड में फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स का टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, टाइप्स ऑफ फ्लूइड से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो के सेशन में डिस्कस करेंगे। और आज हम आपसे इस वीडियो के एंड में पूछेंगे एक क्वेश्चन जो कि इस वीडियो सेशन का क्वेश्चन ऑफ द डे होगा। टाइप्स ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड दो टाइप के होते हैं, आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जिनमें विस्कोसिटी जीरो होती है, यानी कि इसमें विस्कस फोर्स नहीं होता है। रियल फ्लूइड जितने भी तरह के फ्लूइड अवेलेबल होते हैं हमारे पास वो सारे रियल फ्लूइड होते हैं, इनमें विस्कस फोर्स होता है। रियल फ्लूइड दो तरह के होते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है, और जो फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड भी दो तरह के होते हैं, एक टाइम डिपेंडेंट और दूसरे होते हैं टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट जो होते हैं ये वो फ्लूइड होते हैं जिन पे टाइम, जिनके नेचर पे टाइम का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये है डायलेटेंट फ्लूइड, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड, बिंगम फ्लूइड। वो फ्लूइड जिनके नेचर पे टाइम का इफेक्ट होता है वो टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड कहलाते हैं। ये होते हैं थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड और रियोपैटिक फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड, इट इज इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जो कि इनकम्प्रेसिबल होते हैं और नॉन विस्कस होते हैं। उसके बाद आते हैं हम रियल फ्लूइड पे। रियल फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जिसमें विस्कोसिटी होती है, यानी कि फ्लूइड विच पजेस विस्कोसिटी। व्हेन विस्कोसिटी इज जीरो इन रियल फ्लूइड इट बिहेव्स लाइक आइडियल फ्लूइड, यानी कि जब फ्लूइड में विस्कोसिटी जीरो हो जाती है तो वो रियल फ्लूइड आइडियल फ्लूइड की तरह बिहेव करता है। न्यूटोनियन फ्लूइड, दोस फ्लूइड व्हिच फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, वो फ्लूइड जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, फ्लूइड्स व्हिच डू नॉट फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, वो फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, अ फ्लूइड इन व्हिच शियर स्ट्रेस इज मोर देन यील्ड वैल्यू, वो फ्लूइड जिनमें शियर स्ट्रेस यील्ड वैल्यू से ज्यादा होता है, जिसमें इनिशियल शियर स्ट्रेस होता है, वो फ्लूइड आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड कहलाते हैं। स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड, इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज शियर थिनिंग फ्लूइड, ये शियर थिनिंग फ्लूइड इसको बोला जाता है स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज शियर थिनिंग फ्लूइड, द विस्कोसिटी ऑफ दिस फ्लूइड विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन शियर यील्ड, इनको हम शियर थिनिंग फ्लूइड भी बोलते हैं। इन फ्लूइड्स की विस्कोसिटी जो होती है वो शियर रेट में इंक्रीज होने पे घटती जाती है। नोट, व्हेन टाउ इज जीरो एंड एन इज लेस देन वन द स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड सच एज जिलेटिन ब्लड मिल्क एटसेट्रा, इनके केस में इनिशियल शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होती है और एन लेस देन वन होता है। इनके एग्जांपल हैं जिलेटिन, ब्लड, मिल्क एटसेट्रा। डायलेटेड फ्लूइड, दीज आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज शियर थिकनिंग फ्लूइड, द विस्कोसिटी ऑफ दिस फ्लूइड विल ग्रो विद इंक्रीज इन शियर रेट। नोट, व्हेन टाउ जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड एन इज ग्रेटर देन वन द डायलेटेड फ्लूइड्स सच एज शुगर इन वाटर रिच स्टार्च एटसेट्रा, जब इनिशियल शियर स्ट्रेस जीरो होता है और एन की वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है वो डायलेटेड फ्लूइड होते हैं। और इनके एग्जाम्पल हैं शुगर का वाटर में मिक्सचर जो चाशनी होती है, वो राइस स्टार्च होते हैं जिनका हम बहुत सारे प्रैक्टिकल में यूज करते हैं, वो इनके एग्जाम्पल है। ये हमारे पास एक ग्राफ है जो कि शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच में खींचा गया है। अगर हम इस ग्राफ की स्टडी करते हैं तो देखते हैं एक लाइन खींची हुई है जो कि सीधी गई हुई है, जिसकी एन की वैल्यू वन है, जो कि एक यूनिफॉर्म लाइन खींची हुई है। ये लाइन जो है हमें न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में बताती है। इस लाइन से जस्ट नीचे जो कि कर्व है वो नीचे की तरफ आ रहा है, वो स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड है जिसमें एन की वैल्यू लेस देन वन है। इसके बाद इसी कर्व से एक और कर्व जुड़ा हुआ है जो कि डायलेटेंट का है, जो कि जिसका एन ग्रेटर देन वन है। हमारा अगला जो ग्राफ है वो थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड का ग्राफ है, जिसका शियर स्ट्रेस वन से ज्यादा है, यानी इसमें इनिशियल शियर स्ट्रेस है और इसमें एन की वैल्यू जो है वो लेस देन वन है। इसके बाद हमारा आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड है, जिसमें इनिशियल शियर स्ट्रेस कुछ होता है, यानी कि इसमें इनिशियल शियर स्ट्रेस जीरो नहीं होता है और एन की वैल्यू वन होती है।
tau is equal to tau 0 plus mu ब्रैकेट में du by dy का पावर n, ये हमारा पावर लॉ है. अकॉर्डिंग टू पावर लॉ व्हेन tau 0 इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू 1 देन द फ्लूइड कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूइड. यानी कि जब हमारा इनिशियल शियर स्ट्रेस 0 हो और n की वैल्यू 1 है तो वो फ्लूइड हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाता है. ये ग्राफ जो शो कर रहा है वो न्यूटोनियन फ्लूइड का ग्राफ है. व्हेन tau इज 0 इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 देन द फ्लूइड कॉल्ड डायलेटेंट फ्लूइड. मतलब कि जब इनिशियल शियर स्ट्रेस 0 हो और n ग्रेटर देन 1 हो वो फ्लूइड डायलेटेंट फ्लूइड कहलाता है. ये हमारा ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहा है. यानी कि अगर n इज ग्रेटर देन 1 है तो शियर स्ट्रेस ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है शियर स्ट्रेन के मुकाबले. व्हेन tau 0 इज इक्वल टू 0 एंड n इज लेस देन 1 देन द फ्लूइड कॉल्ड स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड. यानी कि जब इनिशियल शियर स्ट्रेस जो है वो 0 होगा और n की वैल्यू 1 से कम होगी तो वो स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड होता है. ये ग्राफ स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड को रिप्रेजेंट कर रहा है. व्हेन tau 0 When tau 0 is equal to 0 and n is less than 1, then the fluid called pseudoplastic fluid. मतलब कि जब initial stress 0 हो और n is less than 1 है, वो fluid pseudoplastic fluid कहलाता है. n is less than 1 कहने का मतलब हमारा ये है कि जिस रेट से rate of shear strain increase कर रहा है, उससे कम रेट से shear stress increase कर रहा है. That's why n is less than 1. And this is the so decreasing curve. So this is a decreasing curve. When tau 0 does not equal to 0 and n is equal to 1, then the fluid called ideal plastic fluid or Bingham plastic fluid. यानी कि जब हमारा initial shear stress 0 नहीं होता, यानी initial shear stress की value कुछ होती है और n is equal to 1, मतलब कि जिस rate से shear stress increase कर रहा है, same rate से rate of shear strain भी increase कर रहा है, तो n is equal to 1 हो गया. जो ग्राफ इन दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है वो ग्राफ आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड का होगा और उसी को हम बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा व्हेन tau 0 डज नॉट इक्वल टू 0 एंड n इज लेस देन 1 देन द फ्लूइड कॉल्ड थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड. यानी कि जब इनिशियल शियर स्ट्रेस 0 ना हो, यानी कि इनिशियली फ्लूइड में कुछ शियर स्ट्रेस हो और n की वैल्यू लेस देन 1 है तो वो फ्लूइड थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड कहलाता है. ये जो हमारा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है वो थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड का ग्राफ है. इस केस में हमारा इनिशियल शियर स्ट्रेस 0 नहीं है और n की वैल्यू भी लेस देन 1 है. यानी कि जैसे जैसे शियर स्ट्रेस का रेट बढ़ रहा है उससे ज्यादा रेट से रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ रहा है. इसे कभी कभी बिंगम स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड भी कहा जाता है. सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1. एन आइडियल फ्लूइड हैज ऑप्शंस हैं इसके 0 विस्कोसिटी, सेकंड ऑप्शन है कांस्टेंट विस्कोसिटी, थर्ड ऑप्शन है इनफाइनाइट विस्कोसिटी, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1 0 विस्कोसिटी. हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि आइडल फ्लूइड में 0 विस्कोसिटी होती है. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. निम्न में से कौन सा फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है. ऑप्शंस है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ऑप्शन नंबर 2 आइडल फ्लूइड, ऑप्शन नंबर 3 डायलेटेंट फ्लूइड, ऑप्शन नंबर 4 न्यूटोनियन फ्लूइड. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 न्यूटोनियन फ्लूइड. अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि वो फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं वो न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं और जो फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम. तो आज का थर्ड क्वेश्चन है हमारा स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड. आज का थर्ड क्वेश्चन है हमारा स्यूडोप्लास्टिक इज अ फ्लूइड फॉर व्हिच ऑप्शंस हैं हमारे. फर्स्ट ऑप्शन इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होल्ड्स गुड. सेकंड ऑप्शन है डायनेमिक विस्कोसिटी डिक्रीजेस एज द रेट ऑफ शियर इंक्रीजेस. थर्ड ऑप्शन इज डायनेमिक विस्कोसिटी इंक्रीजेस एज द रेट ऑफ शियर इंक्रीजेस. फोर्थ ऑप्शन इज डायनेमिक विस्कोसिटी इंक्रीजेस विद द टाइम फॉर व्हिच शियरिंग फोर्स आर अप्लाइड. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 डायनेमिक विस्कोसिटी डिक्रीज एज द रेट ऑफ शियर increases. Question number 4. Ideal flow of any fluid must satisfy. मतलब कि ideal flow किसी भी fluid का को निम्न में से कौन सा condition को satisfy करता है. Options है हमारे पास. पहला है Pascal law. दूसरा option है continuity equation. तीसरा option है Newton's law of viscosity. चौथा option है boundary layer theory. Correct option is
सेकेंड ऑप्शन इज कंटिन्यूटी इक्वेशन, यानी कि आइडियल फ्लूड है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. इफ द रिलेशनशिप बिटवीन द शियर स्ट्रेस tau एंड द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन du/dy इज एक्सप्रेस्ड एज tau इज इक्वल टू म्यू ब्रैकेट में du/dy का पावर n, इफ n इज इक्वल टू 1 देन द फ्लूड इज नोन एज. अभी हमने इस इक्वेशन को ग्राफ के थ्रू समझा था और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूड्स के बारे में भी पढ़ा था. हमारे पास ऑप्शंस हैं. पहला ऑप्शन है बिंगम प्लास्टिक, दूसरा ऑप्शन है थिक्सोट्रॉपिक फ्लूड, तीसरा ऑप्शन है न्यूटोनियन फ्लूड, चौथा ऑप्शन है आइडियल फ्लूड. और हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है न्यूटोनियन फ्लूड. हमने अभी जरा देर पहले ही पढ़ा था कि न्यूटोनियन फ्लूड वो फ्लूड होते हैं जो कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं. और न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेस. इट मींस टाउ इज इक्वल टू म्यू du/dy, यानी कि यहां पर n की वैल्यू 1 रहेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. आज का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 6th क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पावर लॉ. पावर लॉ जो होता है वो है tau इज इक्वल टू tau 0 प्लस म्यू du/dy की पावर n व्हेन n इज ग्रेटर देन 1 एंड tau 0 इज 0 व्हिच टाइप ऑफ फ्लूइड. यानी कि पावर लॉ के अकॉर्डिंग n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और इनिशियल शियर स्ट्रेस उसमें 0 है तो ये कौन से फ्लूइड का कंडीशन है. ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन इज न्यूटोनियन फ्लूइड, सेकंड ऑप्शन इज रियल फ्लूइड, थर्ड ऑप्शन इज डायलेटेड फ्लूइड, फोर्थ ऑप्शन इज सिरोप्लास्टिक फ्लूइड. लास्ट क्वेश्चन में अभी हमने किया था कि अगर इनिशियल शियर स्ट्रेस जो है वो 0 होता है, इनिशियल शियर स्ट्रेस जो है वो 0 होता है और n की वैल्यू 1 के इक्वल होती है तो वो न्यूटोनियन फ्लूइड हो सकता है. इट मींस फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं. तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है डायलेटेड फ्लूइड. यानी कि डायलेटेड फ्लूइड में n इज ग्रेटर देन 1 होता है और इनिशियल शियर स्ट्रेस 0 होता है. मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7. पेंट इज विच टाइप ऑफ फ्लूइड, यानी कि पेंट कौन से तरह का फ्लूइड है. ऑप्शंस आर डायलेटेड फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, रियोप्टिक फ्लूइड, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड. करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड. मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट अवेलेबल क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. इन विच फ्लूइड बिकम्स लेस विस्कस एंड लॉन्गर दे अंडरगो शियर स्ट्रेस इज कॉल्ड. ऑप्शंस आर डायलेटेड फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड. इस फ्लूइड के बारे में हमने डिस्कस किया था जब हम फ्लूइड्स के टाइप को पढ़ रहे थे. इसका करेक्ट ऑप्शन है थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज वैल्यू ऑफ n इन पावर लॉ फार्मूला फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड. पावर लॉ फार्मूला जैसा कि आप सभी जानते ही हैं क्या होता है. न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए पावर लॉ फार्मूला क्या होता है. हमारे पास ऑप्शंस हैं. पहला ऑप्शन है n इज इक्वल टू 0, सेकंड ऑप्शन इज n इज इक्वल टू 1, थर्ड ऑप्शन इज n इज ग्रेटर देन 1, फोर्थ ऑप्शन इज n इज लेस देन 1. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन n इज इक्वल टू 1. बार बार बता रहा हूं मैं कि न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं. न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहती है शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. इन फिगर गिवन बिलो कर्व बी इज, यानी कि नीचे जो फिगर दिखा रखा है इसमें बी कर्व किस फ्लूइड को बताता है. ऑप्शंस आर रियोप्टिक फ्लूइड, डायलेटेड फ्लूइड, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड. ये हमने अभी थोड़ी देर पहले कर्व में स्टडी किया था. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 डायलेटेड फ्लूइड. हमने पढ़ा भी था कि इसमें इनिशियल शियर स्ट्रेस 0 होता है और n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है. अब बारी है हमारे लास्ट क्लास के क्वेश्चन ऑफ द डे के क्वेश्चन के आंसर की. तो लास्ट क्लास का क्वेश्चन ऑफ द डे था ब्लड इज अ. ऑप्शन अवेलेबल है बिंगम प्लास्टिक, सेकंड ऑप्शन इज थिक्सोट्रॉपिक सब्सटेंस, थर्ड ऑप्शन इज न्यूटोनियन फ्लूइड, फोर्थ ऑप्शन इज स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड. ब्लड जो होता है वह टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड होता है. इट इज ऑल्सो शियर थिनिंग फ्लूइड और स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड. ये शियर थिनिंग फ्लूइड भी है या फिर इसको स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं. तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है चौथा ऑप्शन स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड. अब बारी है हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की, जो कि क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग्स टू स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड. निम्न में से
कौन सा फ्लूड स्यूडो प्लास्टिक फ्लूड को बिलोंग नहीं करता है। ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन इज मिल्क, सेकंड ऑप्शन इज ब्लड, थर्ड ऑप्शन इज टूथपेस्ट, फोर्थ ऑप्शन इज जिलेटिन। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।